मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दो बेस्ट सेलर पुस्तक लिखने वाले लेखक शांतनु गुप्ता अपने पुस्तक के साथ गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान लेखक शांतनु गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कैसे ये उत्तर प्रदेश चुनाव अब वैश्विक स्तर का हो गया है, क्योंकि हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों में योगी आदित्यनाथ पर चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ की जीवनी लेखक शांतनु गुप्ता ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर से धूम मचाई थी। अब गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक नए शीर्षक में एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश के साथ वापसी की है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, हवाई और सड़क संपर्क, शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, बिजली, औद्योगिक विकास, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव लाया है तथा इस पुस्तक में योगी आदित्यनाथ के 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश में आए व्यापक बदलाव को आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि कैसे एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा, हार्वर्ड में योगी आदित्यनाथ पर चर्चा मुख्य रूप से इस विषय के इर्द गिर्द घूमती रही है कि एक धार्मिक संत किसी भी राज्य के शासन में क्या अलग मूल्य जोड़ सकता है। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा में सबसे ज्यादा अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेस्ट सेलर बुक एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश के लेखक शांतनु गुप्ता ने कहा, मेरा नाम है शांतनु गुप्ता। मैं जो दो किताब सीरीज है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर एंड द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, उसका लेखक हूँ। पहली किताब करीब 12-13 भाषाओं में आई है, ये किताब नहीं आई है तो अभी इंग्लिश और हिंदी में आई है किताब। ये पुस्तक का विमोचन किया गया है क्या? देखिए, पुस्तक का विमोचन तो हो चुका है, महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद किया था लखनऊ में। अब मैं करीब 1.5 महीने हो चुके हैं इसकी, मैं अभी एक 20 दिन की अमेरिका की यात्रा करके आ रहा हूँ। जो मैंने मूल जो पुस्तक है वो इंग्लिश में लिखी थी, उसका हिंदी में तर्जुमा हुआ और जो अमेरिका में इस पर डिस्कशन हुआ उसके बारे में मैं गोरखपुर में बताने आया हूँ कि कैसे योगी आदित्यनाथ का डंका केवल गोरखपुर में नहीं, वो अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को से लेकर हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड तक बोल रहा है। तो जो मैंने देखा पिछले 20 दिन में अमेरिका में कि कैसे ये जो चुनाव है ये उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पूरा नेशनल हो चुका है बल्कि ग्लोबल हो चुका है। वहाँ पर हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड में योगी आदित्यनाथ पर जो डिस्कशन हो उस पर मैं बात करने आज यहाँ पर गोरखपुर में आया हूँ। देखिए, वहाँ पे दो बातें, जैसे जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है उस पर दो चर्चा हुई। जो पहली चर्चा ये हुई कि भाई एक सन्यासी को राजनीति में क्यों आना चाहिए, और फिर लोगों के बीच में उत्तर आ गया किस तरह से वो सादा जीवन जीता है, किस तरह से जो करप्शन डेमोक्रेसी का पार्ट बन गया है, चाहे वो जर्मनी की डेमोक्रेसी हो, चाहे वो यूके की डेमोक्रेसी हो, चाहे अमेरिका की डेमोक्रेसी हो, करप्शन एक पार्ट बन गया। तो ऐसा व्यक्ति कैसे पैदा किया जाए राजनीति में जो नॉन करप्टेबल हो, और वो एक सन्यासी परिवेश से ही आ सकता है। तो इस पर चर्चा हुई। दूसरी, वहाँ पे कोविड मैनेजमेंट पर चर्चा हुई, कैसे जहाँ पे अमेरिका का, यूके का, जर्मनी का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया और दिक्कत उत्तर प्रदेश में भी आई, लेकिन उस तरह किस तरह से मैनेज किया गया उसके, कि यहाँ तक कि नीति आयोग, IIT कानपुर, WHO, ऑस्ट्रेलिया के सांसद तक ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी। तो ये जो टॉपिक थे दो, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। एक जो टॉपिक वहाँ पर जो NRIs थे उनके बीच बहुत चला कि क्या योगी आदित्यनाथ आगे कभी 5 साल 10 साल बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या, तो उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई वहाँ पर।